विजय हैं जबलपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी बताइए। जी। मैम मेरे को थोड़ा पेट में प्रॉब्लम रहती रही, पेट में मतलब एकदम सूजन आ जाना है, एकदम बहुत एसिड, मतलब जैसे गले में कुछ एसिड फंसा ही रहता हूँ। मैं सस्ती दवाइयाँ खाने के बाद मतलब आराम ही नहीं मिलता। ठीक है बेटा, उम्र बताइए अपनी। उम्र मेरी 35। हाँ देखिए, बहुत जल्दी होने लगा आपको, और बहुत जल्दी आप इसका इलाज भी कर लें, नहीं तो फिर दूसरे रोग शुरू हो जाते हैं। देखिए, सौंफ, आंवला, धनिया, तीन चीज़ें 200-200 ग्राम लें, और इसमें कलौंजी का नमक आता है, जिसे कलौंजी का रसायन भी कहते हैं और कलौंजी का एस्टेक भी कहते हैं इंग्लिश में। 100 ग्राम इसमें मिलाकर आप पाउडर घर में बनाएं सारे चीज़ों का, और बाहर से पिसा पिसाया न लाएं तो आपके लिए बेहतर है। और एक चम्मच यानी 2-3 ग्राम सुबह, 2-3 ग्राम शाम, खाने से पहले यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है अम्बाला से, नवनीत हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, आदाब। सर, मैंने ना ये अपने लिए पूछना था, मेरे ना बाल बहुत सफेद हो रहे हैं। हाँ जी, और मेरी एज है 28 साल। अच्छा, नज़ला वगैरह तो नहीं रहता आपको? नहीं सर, ये प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं ये 16 ईयर्स की ना तब से हो रहे हैं, ये अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। और एक मेरा सेकंड सवाल ये है कि जो मेरी ननद है उसके बारे में पूछना है मैंने। उससे ना लीवर बताया हुआ है कि उसकी सोजिश आई हुई है लीवर पे। लीवर बढ़ गया है? हाँ जी, यही बताया हुआ है। और एक ये बताया हुआ है कि उसके मोटापा बहुत ज्यादा है, उसकी एज है 37। देखिए कितनी अच्छी भाभी के ननद के लिए भी बिल्कुल सवाल पूछ रही जी। हैं, और ये रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं। तो पहले आपके लिए बताऊं या आपकी ननद के लिए? अच्छा देखिए, आपके लिए बता देता हूँ, क्योंकि आपने फ़ोन किया कि आप एक नुस्खा बना लें, और बहुत आसान है। एक नारियल पानी रोज़ खरीदा करें, और उस पानी में आधा ग्राम गौन मोरिंगा डालें और पी लिया करें। आपके बाल खूब जैसे आप चाहते हैं ऐसा होना मुमकिन है। ये महीना 2 महीना लगातार अगर आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। और ननंद का देखिए, एक तो लीवर और जो मोटी होते जा रहे हैं, एक थायराइड, ये दो परेशानी हैं। इन दोनों परेशानियों के लिए आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपने गलत लिखा तो फिर देख लीजिए, रिश्ता बड़ा ख़तरनाक है, आपको परेशानी हो सकती है। तो देखिए, 300 ग्राम धनिया, 300 ग्राम धनिया, और 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम गोंद मोरिंगा, जो गोंद आप यूज़ कर रहे हैं वही उन्हें कराइए, और इसका पाउडर बना लें घर में। कोई भी चीज़ पिसी पिसाई ना लाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर इसका 2-3 ग्राम, 4 ग्राम सुबह, ऐसे इतना ही शाम को आप उन्हें खाने दीजिए, और थायराइड की गोली भी खाते रहें। हर महीने आपके डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखकर आपकी थायराइड की गोली की पोटेंसी कम करते करते उसे छुड़ा देंगे, और कुछ दिन बाद ये भी ठीक छुड़ा देंगे, तो उनका लीवर और थायराइड ठीक होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं बी के त्रिपाठी, रीवा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। थोड़ा जी आदाब, बताइए सर। नमस्कार। जी आदाब, बताइए। मुझे स्लिप का प्रॉब्लम था, तो हाँ मैंने आपके यहाँ से दवा मंगाया था एक्सपेयर, उसको उसको कुछ दिन उन्होंने खाया, उन्होंने ये खुराक, उसके बाद उन्होंने हल्दी का भेजा। हेलो। हाँ ठीक है। तो 3-4 दिन से उन लोगों उनको मैंने खा तो नहीं है, पर उनके पीठ में दर्द हो रही है। अच्छा, हाँ, और कुछ समझ नहीं आ रहा, दर्द कल से काफी बढ़ा था, तो वही पेन किलर दिए हैं, पर आपकी दवा चालू है, हल्दी प्लस अभी चालू है।
हाँ, ये हल्दी प्लस तो सपोर्टिंग दवा है, और ये वही दवाई खाइए जो आपने पहले खाई थी एस केयर, और ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। किसी किसी को बढ़ के कम होता है, और जिसको बढ़ के कम होता है वो भी ठीक होता है, और जिसको कमी होता जाता है उसके तो मज़े ही आ जाते हैं। मरीजों में 2% लोगों का थोड़ा दर्द बढ़ता है फिर कम होता है, तो उनको ज़्यादा मेहनत मत करने दीजिए, और कम से कम 3-4 महीने ये दवा खिलाएं। अगर अगले महीने में भी पूरा फायदा हो जाए फिर भी 2 महीना और खिलाएं, ताकि ये दोबारा से वापस न लौट सके। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं श्री पोखन राणा जी, झारखंड से हमारे साथ स्वागत है आपका। हेलो, जी बताइए। हमरा है ना जे दर्द कम कर रहा है और संध्या से जोर दर्द कर रहा है। जी, मुझे हमरा ने दंडा दर्द कर रहा है कमर कमर में दर्द। हाँ, और गोल दर्द का था, गोल गुर्दा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ, है, ठीक हजारी बात है। हाँ और गोसा बनता है इसका तो बात कर। हाँ जी, हाँ जी ठीक है। देखिए, कमर दर्द के लिए दुनिया में एक ऐसा गोंद भी है जो गोंद सियाह कहलाता है, काला गोंद। ये वाहिद भी काम करता है, अकेला भी काम करता है, और ये दूसरी चीज़ों के साथ भी काम करता है, लेकिन ये वो रॉ मटेरियल है, ये वो कच्ची दवा है जिसको काला गोंद या गोंद सियाह कहते हैं। इसको हासिल कर लिए 100-200 ग्राम, और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाने से आपकी ये तकलीफ ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल आपकी तकलीफ ज़रूर दूर हो जाएगी, ये नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा, आज से ही अपनाने शुरू कर दीजिएगा। फिर 1-2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 दिन, फिर देखिएगा आपको कितना रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं इसी के साथ। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार जी, हकीम जी से बात हो सकती है? हाँ जी, आपको सुन रहे हैं जी। वो दीपक जी, आदाब। आदाब सर, एक्चुअली मेरे को पापा के बारे में पूछना था। वो डायबिटीज पेशेंट है और उनको टाइफाइड हो गया पिछले कुछ दिनों से। ठीक है, टाइफाइड का अच्छा इलाज एलोपैथ में है। जो दवाई ले रहे हैं वो लेते रहें, और मैं भी आपको एक दवा बता देता हूँ। देखिए, कैस्ट्रॉल ऑयल आता है जो मेडिकल स्टोर्स पर मिलता है, कैस्ट्रॉल ऑयल, या इसे अरंडी का तेल भी कहते हैं। वो दवाएं जो आप दे रहे हैं वो दीजिए डॉक्टरों की, पूरा 7 दिन या 15 दिन इलाज इसका होता है, और ये 1 चम्मच कैस्ट्रॉल ऑयल उन्हें रोज़ाना ज़रूर पिलाया करिए, ताकि उनकी आंतों की गंदगी और खुश्की ख़त्म हो सके। और बेहतरीन इलाज आप कर रहे हैं जो भी टाइफाइड का कर रहे हैं, और ये आंतों के इन्फेक्शन का को कहते हैं टाइफाइड, और इनका खूब ख्याल रखिए, इसी तरह जैसे आप अपने पिताजी का रखते हैं। और इसके अलावा कोई खिदमत हो तो फिर बताइएगा। चलिए, तो आप अपने पिताजी का जैसे ख्याल रखते हैं उसी ख्याल के साथ और विश्वास के साथ आपने इस कार्यक्रम में कॉल किया है। नुस्खे आपको हकीम साहब ने यहाँ पे बता दिए हैं, बस आपको वो जल्द से जल्द करवाने हैं अपने पिताजी को, और एक एक नुस्खा आपको घर बैठे बैठे ही बनाना है। दर्शकों, देखिए, कोई भी पिसी पिसाई चीज़ बाहर से मत लेके आइएगा, रॉ मटेरियल लाइए, जो जो बताई जा रही है, रॉ मटेरियल ला के अपने घर में पीसिए उसको और सेवन कीजिए, फिर देखिएगा आप कितने सेहतमंद हो जाते हैं। यकीन मानिएगा दर्शकों, बहुत सारे लोगों ने हमसे जुड़ के, हकीम साहब से जुड़ के इतने नुस्खे जान लिए हैं कि वो घर बैठे बैठे खुद भी सेवन करते हैं, खुद भी सेहतमंद रहते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। तो आप किस बात की देरी कर रहे हैं? अगर आप अब डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं, कोई भी गर्म दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहते हैं और हर एक रोग को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। लाइव हकीम साहब से आप लोग बात कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, आदा मैम। जी बताइए, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फिरदौस कश्मीर से हूँ मैम। हाँ जी, बताइए, सवाल कीजिए। मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, बताइए, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वाले सलाम हकीम साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और आपकी दुआओं से, आपके नुक्स से जी आप बहुत अच्छे लगते हैं और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत मेरी दो शुक्रिया। मैं मेरी दो प्रॉब्लम है, एक हाथ की प्रॉब्लम है, जब मैं किसी से बात करूं तो मेरा गला सूख जाता है और मेरी हाथ रेस हो जाता है, और दूसरी प्रॉब्लम है मेरी सेल नहीं बन पा रही है सर, कमजोर सेल। जी
ठीक है, उम्र बता दीजिए अगर आप हैं तो। मेरी उम्र 21 साल है सर। कितनी? 21 साल, 21। ओहो, ठीक है। अच्छा देखिए, आंवला, धनिया, सौंफ, मेथी, आंवला, धनिया, सौंफ, मेथी और लीजिए आप सौंठ, ये सब 100-100 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इसको खूब बारीक पाउडर बनाएं और 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम, यानी एक छोटा चाय का चम्मच, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो जाए तो कोई बात नहीं, ये आप नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू करें, आपकी दोनों परेशानियाँ ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं हरियाणा से, नीलम हमारे साथ, स्वागत है नीलम जी आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, आदाब। हमें अतिम जी से बात करनी है। जी जी फरमाइए, क्या सेवा है नीलम जी? हाँ जी, मुझे ना पेट में दर्द रहता है और वो हारा रहता है, गैस बनती है और वजन वेट भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मेरी उम्र 30 वर्ष है और कुन्नी बवासीर भी है, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सिर में भी दर्द रहता है। बहुत ख्याल रखिए अपना, और ये बवासीर से भी बहुत कमज़ोरी आ जाती है खून जाने से, और मैं आपको एक नुस्खा बताना जा रहा हूँ, अलसी लीजिए 500 ग्राम, अलसी 500 ग्राम, इसे भून लीजिए, इतना भूनिए कि बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी, दरमियानी तौर पर इसको भून लीजिए और इसको पाउडर बना लीजिए और इसमें 100 ग्राम गौन मोरिंगा मिलाकर इसका पाउडर बनाइए और 3-3 ग्राम सुबह शाम, खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी खा सकते हैं, दो वक्त इसे इस्तेमाल करें तो आपकी ये तकलीफें ठीक होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है हरियाणा से, राजेश हमारे साथ, स्वागत है राजेश आपका। बताइए। जाने जाने भी करती है, जैसे एक बार दोबारा से बताइए। एलर्जी है जी, ब्रीक ब्रीक जाने भी करती है, सिर के ऊपर। ठीक है, एलर्जी है, पीठ पे बहुत दाने निकलते हैं। अच्छा देखिए, जो नमक है, जो सोडा है आपके किचन में, ये ज़रा सा एक दो चुटकी पानी में मिला के और कॉटन के ज़रिए उस जगह पर लगा लिया करें जहाँ पर दाने निकलते हैं, और ये सोडा आधा चुटकी रोज़ाना पानी मिलाकर पीना भी है एक बार, अगर आप ये अमल करते हैं तो आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। अगली कॉलर है मनीषा लखनऊ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी 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 जी, बताइए सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। जी आदाब, बताइए मनीषा जी। जी हमारे लड़का है 22 साल का, उसके किडनी में साहब वो पथरी का शिकायत है साहब, तो कैसे ठीक होगा, क्या होगा? ठीक है जी। हाँ, बहुत आसानी से ठीक होना इसका मुमकिन है। कैप्सूल पी केयर दिन में 2 बार दीजिए नींबू पानी के साथ, और किडनी में कितनी भी बड़ी पथरी हो, रेजा रेजा करके रेता बन के निकल जाती है, थोड़ा सब्र रखें और आप उन्हें पानी खूब पिलाएं, पानी कम से कम 3 लीटर पानी रोज़ पिएं और जब भी पिएं 3 गिलास पानी पिएं ताकि वो फोर्स से पथरी निकल सके। ये नुस्खा उस पथरी को जाके तोड़ देता है और फोर्स से जब पेशाब आता है तो उसको वो निकल जाती है पेशाब के ज़रिए। घबराइए नहीं, आप सीधी लेडी हैं तो इसलिए मैंने आपको घरेलू नुस्खा भी नहीं बताया कि आप झंझट में ना पड़ जाए, मैंने दवा बता दी आपको।